नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है, जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। और मेरा जो सॉफ्टवेयर है, ये एमी ब्रोकर एंड मेटा ट्रेडर दोनों के ऊपर बेस करके ही काम करता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ही आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज का जो मेरा वीडियो है, ये देखिए, मैं कुछ लाइव वीडियो बना रहा हूँ क्रूड ऑयल का ऊपर बेस करके, आज का परफॉर्मेंस का। जैसे आज को 22 तारीख है, तो मैं सुबह से पूरा एक्सप्लेन करता हूँ जो सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे काम किया हम लोग का सॉफ्टवेयर ने, क्या परफॉर्मेंस आज को दिया है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ, सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर बेसिकली एक एडुकेशनल पर्पज़ यूज़ किया जाता है, जो आपको एक गाइडेंस देते रहता है, जो मार्केट में अभी सिचुएशन क्या है, आपको उस हिसाब से क्या करना चाहिए। तो कॉल तो बहुत सारा बनता है, इसका मतलब ये नहीं जो हर एक कॉल ही अचीव होता है। हम लोग देखते हैं कुछ कॉल अचीव होता है, बहुत सारा कॉल अचीव नहीं होता है। तो कॉल आइडेंटिफिकेशन इस मार्केट के लिए सबसे चैलेंजिंग मैटर होता है, जो जो कॉल में आप ट्रेड करने जा रहे हैं वो आपके लिए कितना जेन्युइन है या नहीं है। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले बिगिनिंग में देखिए, आज को मार्केट यहाँ पर शुरू हुआ है और सेकेंड कैंडल में आपको एक सेलिंग का कॉल दिखाई दे रहा है। आज को हम लोग का फर्स्ट जो सेल का कॉल दिया था 4147 पे। तो जब भी कोई सिग्नल बनेगा चार्ट का ऊपर, ऑटोमेटिकली एक मैसेज आ जाता है साउंड के साथ। अब जो मेन चीज़ होता है वो है प्रेडिक्शन, मतलब जिस टाइम में कॉल बना है वो कॉल कितना जेन्युइन था आपके लिए, उसको ट्रेड करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो उसके लिए हम लोग कुछ कंडीशन को ध्यान में रखते हैं। जैसे कोई सेल का कॉल बनता है, हम लोग का फर्स्ट कंडीशन होता है, नीचे में आपको एक रिबन दिखाई दे रहा है देखिए, जिसका कलर है रेड, पहले वो ग्रीन था। तो आपका फर्स्ट कंडीशन होगा, जो सेल का कॉल में आपको नीचे का जो रिबन है उसका कलर को देखना पड़ेगा। तो सेल का कॉल में नीचे का रिबन का कलर रेड होना है, दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन होता है, सेल का कॉल का पहले एक स्टार बनेगा, वो भी रेड कलर का, तो दिखाई दे रहा है मेरा ऑलरेडी रेड स्टार भी बना था, मतलब मेरा सेकेंड कंडीशन भी मैच है। थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है नीचे का ये लाइन इंडिकेटर, जिसमें आपको मिडिल में एक वाइड हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रहा है, जिसे हम लोग न्यूट्रल कहते हैं, और एक सिंपल मूविंग एवरेज जैसा लाइन आपको दिखाई देगा, जो एक बार रेड हो रहा है एक बार ग्रीन हो रहा है। तो चाहे कलर कुछ भी हो, ऑब्वियसली ग्रीन मतलब बाइंग एंड रेड मतलब सेलिंग, मगर इसका जो मेन फंक्शन है, देखिए मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो लोकेशन है जहाँ से ये मूविंग एवरेज का लाइन वाइड लाइन को ब्रेक करके नीचे आ रहा है। तो जहाँ से मूविंग एवरेज का लाइन वाइड लाइन को ब्रेक करके नीचे आ रहा है, मतलब वहीं से आप स्ट्रांगली सेलिंग जोन में घुस रहे हैं। तो जिस टाइम कोई भी सेल का कॉल बन रहा है या कोई भी कॉल बन रहा है, आपका फर्स्ट काम होगा तीन कंडीशन को मैच करना, एक स्टार है या नहीं, है या नहीं, नीचे का पट्टी का कलर रेड हुआ है कि नहीं, और ये मूविंग एवरेज का लाइन वाइट को ब्रेक किया है कि नहीं। अगर ये तीन कंडीशन मैच होता है, तभी जाके आप एक कॉल को स्ट्रांग कॉल बोल सकते हैं, जो ये कॉल आपके लिए एक प्रॉफिटेबल कॉल बन सकता है आगे जाके। अब मुझे ट्रेड कब करना है, ऐसा नहीं जो कंडीशन मैच हो और आप तुरंत ट्रेड लगा लिए। फाइनली ट्रेड लगाने का पहले हम लोग को और एक चीज़ देखना पड़ता है, जैसे जब भी हम लोग का सॉफ्टवेयर में कोई कॉल बनता है, उसका पहले देखिए हम लोग एक कैंडल बनाते हैं जिसका कलर है ब्लू। तो ये ब्लू कैंडल है क्या, ये ट्रेंड रिवर्सल का कैंडल है। जब भी आप सेल करने जाएंगे, उसका पहला वाला जो ब्लू कैंडल है उसका लो को आपको देखना है। जैसे इस कैंडल के ऊपर मैंने क्लिक किया, इसका लो मुझे दिखाई दे रहा है 4141। तो कंसेप्ट यही रहेगा, जब तक कोई भी एक कैंडल इस ब्लू कैंडल का लो को तोड़ता नहीं है, तब तक आपको ऑर्डर नहीं लगाना है, दैट इज़ द फाइनल थिंग। ऐसा नहीं जो कंडीशन मैच हुआ मैं ट्रेड लगा लिया, जब तक ब्लू कैंडल का लो को तोड़ेगा नहीं तब तक आपको ऑर्डर पुट नहीं करना है। तो आप देख लीजिए ब्लू कैंडल का जो लो है 4141, तो 4141 का वैल्यू जब तोड़ेगा तभी आपको यहाँ पर ट्रेड करना है, नॉट 4147 पे, बिकॉज दैट इज द ब्रेकआउट पॉइंट। तो सोचिए आप 4141 लगभग अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से इस कैंडल में ये शायद ब्रेक किया है, इस कैंडल का लो है देखिए 4140, मतलब इस कैंडल में लगभग ब्रेक किया था। तो उसके बाद सोचिए आप एंट्री भी ले लिए मार्केट में। तो लेने के बाद जैसे देखिए मार्केट यहाँ पर फ्लैट हो गया था, तो ऐसा सिचुएशन में आपको क्या देखना है, आप एक चीज़ देख सकते हो, ऊपर में आपको एक येलो कलर का लाइन दिखाई दे रहा है जो ट्रेंड लाइन है, जब तक येलो लाइन का नीचे है मार्केट डाउन ट्रेंड है। अब इसको थोड़ा सा फॉलो करते हुए चलिए, अदरवाइज नीचे का हम लोग का ये इंडिकेटर को देखिए, ये लाइन इंडिकेटर जो देखिए इस पॉइंट में आपको वाइट लाइन का ऊपर चला जा रहा है, दैट इज़ द सर्किल वे जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। तो बोलने का मतलब है अगर आप वहाँ पर एंट्री ले रहे हैं तो आपको इस कैंडल में एग्जिट कर लेना पड़ेगा। तो इसका भी क्लोजिंग देखिए 4140, मतलब सेम टू सेम कॉस्ट टू कॉस्ट वैल्यू में आपको सॉफ्टवेयर यहाँ से निकाल दे रहा है। अगर ये लाइन नीचे वाला लाइन वाइड लाइन का ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब है मार्केट में मोमेंटम चेंज भी हो सकता है।
तो ये हम लोग का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, जो अगर सॉफ्टवेयर आपको एंट्री भी दे रहा है और मार्केट में मोमेंटम नहीं हो रहा है या मार्केट रिवर्स होने का चांसेस है, तो सॉफ्टवेयर आपको कॉस्ट टू कॉस्ट वैल्यू में निकल देने का कोशिश करेगा। तो इसके लिए आपको नीचे का ये इंडिकेटर को देखना पड़ेगा। तो अल्टीमेट देखिए, थोड़ा देर बाद मार्केट फ्लैट रहा और आपको यहाँ पर आके एक बाइंग का कॉल दिखाई दे रहा 4:50 पे। अब यहाँ पर भी आपको सेम कंडीशन ही देखना पड़ेगा, जो नीचे का रिबन का कलर ग्रीन है या नहीं, जस्ट ऑपोजिट होगा। बाय का कॉल का पहले स्टार है या नहीं, और ये मूविंग एवरेज का जो लाइन है आपको व्हाइट लाइन का ऊपर मूव कर रहा है कि नहीं। तो तीनों का तीनों कंडीशन ही मैच है। अब यहाँ पर भी आपको सेम कंडीशन देखना पड़ेगा, जो ब्लू कलर का जो कैंडल बना है उसका हाई क्या है। उसका हाई है 4146। कोई भी एक कैंडल का क्लोजिंग को 4146 का ऊपर जाना है, जो यहाँ पर आपका नहीं हुआ। इस कैंडल का क्लोजिंग देखिए 4140 है, मतलब इसका नीचे मूवमेंट हुआ है, तो इसे ब्रेकआउट नहीं हुआ है। जो मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ यहाँ पर, ये जो बाय का कॉल बना है, इस कैंडल का जो क्लोजिंग है, इस कैंडल का हाई को तोड़ा नहीं है। तो अल्टीमेट देखिए नीचे का तरह मूवमेंट अप कर दिया, मतलब ये कॉल आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ। कंडीशन मैच हुआ था मगर ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसीलिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर देखिए मार्केट में सेलिंग का कॉल बन गया। तो जिस टाइम ये सेल का कॉल बना था, उस टाइम मुझे दिखाई दे रहा स्टार है, नीचे का पट्टी ग्रीन है, मतलब ये कंडीशन मैच नहीं हो रहा है। नीचे का जो लाइन है वो भी व्हाइट लाइन का काफ़ी ऊपर है, तो आपको वेट करना है सही वक्त के लिए। तो जहां पर ये व्हाइट लाइन को ब्रेक कर रहा है, लगभग इस कैंडल में ये जो कैंडल बना है 6:30 पे, और आपको कॉल बना था, सॉरी कॉल बना था 5:30 पे, और ये कैंडल आपको ब्रेक कर रहा है 6:30 पे। मतलब आपको इसका बाद ही इसका ट्रेड को पकड़ना है, उसका पहले नहीं। और इस मोमेंट में अगर आप देखेंगे तो ये ब्लू कैंडल का लो को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था, तो उसका बाद तो आपको अपना रिजल्ट दिखाई दे रहा है। अभी ये लाइव ही चल रहा है, देखिए मार्केट ऑलरेडी इतना नीचे गिर गया। अभी आपका जो रियल टाइम वैल्यू है वो है आपका 4072। तो मैं जस्ट यहाँ पर आपको यही बताना चाहता था, ये जो मार्केट है टोटली लॉजिक का मार्केट है, आपको लॉजिक को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप लॉजिकली सही खेलेंगे दिन इस मार्केट में आप इजीली फाइट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और मैं जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ऑब्वियसली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरा चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि नेक्स्ट टाइम भी इस तरीके का वीडियो कंटिन्यूअसली मिलता रहे। और अगर आपको मेरा चैनल रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियोज़ देखना है, देन आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं राहुल सरकार शेयर मार्केट बोल के, आपको मेरा बहुत सारा वीडियोज़ दिखाई देगा। 5-10 वीडियो देख लीजिए, आपका मन में जो भी डाउट या क्वेरीज आ रहा है वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपका मन में कोई डाउट या क्वेरीज रह रहा है, आप मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर में मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली इस नंबर में फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।